आर्ट्स की विद्यार्थी थी, यानी कला। एक कलाकार के मन के अंदर कला ही तो बसती है, और वही बसा हुआ था मेरे मन के अंदर, जिसे मैंने पूर्ण रूपेण समर्पित किया अपनी नौकरी में। आते आते सड़क पे ना इतना सुंदर से ये ठेले में जा रहा था, अमरूद का शेप देख के साइज इतना अच्छा लग रहा था, तो मैंने अमरूद खरीद लिया 1 किलो, देख के बहुत अच्छा लग रहा था। 100 रुपीज किलो दिया था आपने? 100 रुपए किलो ना? 100 रुपए, हाँ बहुत अच्छा। मैंने 1 किलो लिया है, ये देखिए। पानी लेके आ रही हूँ, आपको 5 लगी ना, पानी लेके आ रही हूँ। बैठो 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 बैठो, पानी लेके, नो यहाँ बैठो बैठो, मैं पानी लेके आती हूँ, बैठो। जहाँ कह के गई थी कि यहाँ बैठो, यही बैठा रहा, आके पानी पिलाया, पर उसकी जिद थी छत पे जाने के लिए, क्योंकि कमल छत पे बैठे हुए थे, वो वहाँ जाके मस्ती करना चाह रहा था, इसीलिए बार बार वो मुझे आवाज़ दे रहा था। इतनी तेज़ी से भागा कि उसे सीढ़ियों से फिसल गया। जैसे छोटा बच्चा घर में रौनक लगा देता है, उसी तरीके से प्लूटो ने रौनक लगाई है। 2-3 दिनों के बाद ये वापस अपने घर चला जाएगा, तो हमें उदास कर जाएगा। क्या चाहिए? ये क्या किया है तूने? हाँ क्या लेके आए, बोलो बोलो, क्या लेके आए, क्यों लेके आए मुझे यहाँ खींच खींच के, हाथ बोलो। तो आप बैठो, मैं जा रही हूँ, बैठो चेयर पे, बैठो बैठो बैठो, चलो चलो बैठो, सिट डाउन, बैठो 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 बैठो, इस पे बैठो, बैठो बैठो बैठो। हाँ क्या करो, गंदे पैर है आपके, सुसु वाले पानी डाला है, फिर भी सुसु के बाद। यहाँ बैठो 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 बैठो। इनकी भाषा ना सिर्फ प्यार की भाषा है, अगर उसे हमने समझ लिया तो बहुत कुछ समझ लिया अपने नेचर, अपनी प्रकृति के बारे में। और जब नेचर की बात करते हैं तो हम अपने स्वभाव को भी समझने की कोशिश करते हैं इनके साथ, जो हमारा मेल मिलाप होता है। क्योंकि कहा जाता है, और मेरा अनुभव यही रहा है, क्योंकि पहले भी मेरे पास एक सूफी थी जो बहुत सालों तक रही, 16-17 साल की होकर के वो गुजर गई पिछले 3 साल पहले, 2020 या 21 की बात है। तो इनमें जो प्यार की भाषा है ना, उसे समझना बहुत ज़रूरी होता है। वो हर समय, एक्चुअली इसको परिवार में रहने की आदत है, वहाँ पे सारे एक साथ रहते हैं, यहाँ इक्के इक्के दुख के लोग दिखाई देते हैं, तो इसे लगता है कि सब लोग एक जगह इकट्ठा होकर के बैठे। हमेशा ये यही संदेश देता है मेरे मन को, मेरे दिल को, तो यही संदेश मिलता है। पता नहीं और लोग इसकी भाषा को समझते हैं तो किस तरह से, क्योंकि आपके मन के अंदर जो भाषा है ना, जो बोली है, जो समझ है, उसी तरीके से आप दूसरों के बारे में भी समझ पाते हैं। आप अपने मन की भाषा से अलग दूसरों के बारे में समझ नहीं सकते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है। इसीलिए कितनी बार लोगों ने ये कहा है ना कि जो जैसा था उसने वैसा ही हमारे बारे में सोचा, उसने वैसा ही हमारे बारे में कहा है। तो मन की भाषा प्रेम भरी होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। और इस तरह के जो फेस्टिवल्स आते हैं ना, साथ ही अपनी ज़िंदगी में हम सब के तीज त्यौहार आते हैं, वो आते ही इसीलिए हैं कि किसी के मन में कोई कड़वाहट है, कोई दूरी है, तो उसे ख़त्म कीजिए। बहुत बार जो होता है कि लोग ये सोचते हैं कि हमारी तो गलती है ही नहीं, ऐसा तो होता नहीं है ना, गलती हमारी भी हो सकती है और दूसरे पक्ष की भी हो सकती है, पर वो जो अभिमान होता है ना, वो अभिमान इंसान को ना एक दूसरे से जुड़ने ही नहीं देता है। स्वाभिमान एक अलग सी चीज़ है, सेल्फ रिस्पेक्ट एक अलग सी चीज़ होती है, पर अभिमान में इंसान को नहीं जीना चाहिए। और अगर आपका पाला अपनी ज़िंदगी में ऐसे किसी व्यक्ति से पड़ा हुआ है जो कभी अपनी गलती मानता ही नहीं है,
तो उसकी गलती माने बगैर, उसके माफ़ी मांगे बगैर मुझे ऐसा लगता है कि एक वक्त में आकर के उसे माफ़ कर देना चाहिए, क्योंकि माफ़ करने वाला हमेशा जो है अपने आप में स्वमान में जीता है। तो इसी तरीके से मैं सोचती हूँ, आप कैसा सोचते हैं, क्या सोचते हैं ये ज़रूर बताइएगा। आजकल तो सर्दियाँ शुरू हो गई हैं, तो दिन कब निकलता है और कब शाम ढल जाती है पता ही नहीं चलता है। हालांकि अब मैं ऑफिस भी नहीं जाती हूँ, फिर भी अभी तो थोड़ी थोड़ी परेशानी से गुजर रही हूँ, पर मैं ये कहूँ कि अब मैं उन परेशानियों से बिल्कुल गुजर चुकी हूँ दो चार होते होते, क्योंकि छोटी छोटी जो परेशानियाँ ज़िंदगी में आती है ना, उसे दो चार करने की ना आदत सी अब बन गई है, तो उतना उसे नज़रअंदाज कर देती हूँ मैं। क्योंकि अगर थोड़ी सी परेशानी हुई उसको सोचने हम बैठ जाएं, उसे लेकर के बैठ जाएं, तो वो छोटी सी परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। फ़िलहाल तो मैं ये कपड़े सारे निकाल रही थी, मैंने कहा कि जुलाई में मैं रिटायर हुई थी तो कुछ गिफ्ट भी मिले थे मेरे फ्रेंड्स ने, बहुत सारी साड़ियाँ वगैरह, ऑफिस से भी मिला था सूट वगैरह, और तो वो रखा हुआ था दो, मतलब मैं 15 दिन तक तो अपनी गाड़ी में लेकर घूमती रही कि बुटीक जो है वहाँ पर इसे स्ट्रेच करने के लिए दे आऊँ, पर मौका ही नहीं मिला। एक दो बारी मैंने ट्राई किया तो वो जो बुटीक है जिनका, वो मिले ही नहीं, और फिर गर्मी भी ऐसी चल रही थी तो मैं भाग के, जैसे गाड़ी में जाती थी भाग के घर आ जाती थी वापस। अब आज जो है मैंने सोचा कि नहीं, उनसे बात हुई तो मैंने कहा कि आज मैं एक बार फिर से ट्राई करती हूँ, दे करके आती हूँ, भले ही वो सिल करके दें या ना दें, जितनी देर में दें, जितने वक्त में दें, अपना अच्छा सा वक्त लगा करके उसे प्यार से सिल करके वो दे देंगी तो काम आ जाएगा आने वाले दिनों में। वैसे भी जो सूट है ना, इसमें ये सारे कॉटन के सूट हैं और इस फैशन के हैं, सीज़न तो आपको पता ही है कि कपड़ों को पहनने का, खाने पीने का, घर के सजावट का, हर चीज़ का फैशन जो है ना साल दर साल बदलता चला जा रहा है। जुलाई से मैं ट्राई कर रही थी कि ये सारे कपड़े मैं स्टिचिंग के लिए दे दूँ, आज जाके निधि से मेरी बात हुई है, जो मेरी फ्रेंड है जिसका बुटीक है, तो उसने कहा आ जाओ, तो मैंने कहा फटाफट दे देती हूँ, क्योंकि दिसंबर के फर्स्ट वीक में एक शादी है, अगर इसमें से एक दो सूट सिल जाएंगे ढंग के तो पहन लूँगी, और साड़ियाँ भी है ना सारी, तो सबके लिए ब्लाउज़ वगैरह सिलवाना है, उसमें फॉल वगैरह लग जाए, और मम्मी जी की भी साड़ी है, मैंने कहा वो तो है नहीं तो उनके भी फॉल वगैरह लगवा देती हूँ साड़ी में, ब्लाउज़ तो उनको मेरा भी चलेगा, तो जो साड़ियाँ हैं उनकी नहीं, उसके लिए फॉल वो लगवा करके मैं रख देती हूँ। तो बस मैं पहुँच गई हूँ बुटीक, निधि मिली नहीं, वो अर्जेंट किसी काम से निकल गई थी। अब ये दूसरा दिन सुबह सुबह मुझे जाना था थेरेपी के लिए, पर मैंने कहा कि एक बार मशीन चेक कर लेती हूँ, अगर बहुत ज़्यादा कपड़े होंगे तो मैं वॉशिंग के लिए लगा जाऊँगी। क्या शमशाद मियाँ, कल आए नहीं आप? कल कहाँ आया था? मैं नहीं आया था ना। वाह बेटा, सोचा कि आंटी तो नीचे उतरती है नहीं। अरे यार, जवान आदमी का तबीयत ढीला ढीला क्यों हो जाता है? अब मैं आज सुबह जा रही थी थेरेपी के लिए, सोचा ले जाओ गाड़ी, पर इसलिए नहीं लेके गई कि आज संडे है, जगह नहीं मिलती फिर। हाँ, और सब बढ़िया ठीक ठाक? बोलो ठीक ठाक बढ़िया। चलो, जाला इतना लग गया था नीचे, तुम एक दिन भी इसको सफाई नहीं कर रहे थे, चाबी ले लो। आज शमशाद मियाँ के पीछे में पड़ गई हूँ, ये देखिए शमशाद मियाँ कह रहे हैं कि इससे ज़्यादा तो मैं साफ़ करूँगा ही नहीं, और होगी ही नहीं गाड़ी साफ़, ऐसा थोड़ी ना होता है, सामने खड़े रहो तो साफ़ होते हैं ना, देखो आगे उस पर, पिछले एक महीने से गाड़ी चली नहीं है, कोई बैठा नहीं है, मच्छर कहाँ से घुस रहे हैं, देखो सारे गाड़ी में मच्छर, खुला रहेंगे तो मच्छर तो दरवाज़ा थोड़ी ना खोल के मैं छोड़ के गई हूँ, देखो कितना बहस करता है मुझसे। प्लेन रखेंगे तो ये इसमें पकड़ेगा नहीं ना, ग्रिप नहीं लेगा ना, इसीलिए विटामिन सी और विटामिन डी की गोली जो है वो अभी चल रही है मेरी, और जो पेन किलर है वो भी चल रहा है, मसल्स को एडजस्ट करने के लिए वो भी एक टैबलेट चल रहा है, तो अभी दवाइयाँ चल रही है, लेकिन विटामिन सी और डी की का जो टैबलेट मैं ले रही हूँ ना, उससे मेरे ना बाल बहुत ज़्यादा निकल रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा निकल रहे हैं, तो डॉक्टर को मैंने बताया तो उन्होंने कहा कि थोड़े तो निकलेंगे फिर ठीक हो जाएंगे, आप इतना परेशान ना हो, तो अब
ब्रेकफास्ट वगैरह करके ये मेडिसिन लेने का टाइम हो गया, तो मैंने कहा मेडिसिन ले लेती हूँ। क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो, बोलो बोलो बोलो, क्या 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 चाहिए, बोलो बोलो, क्या चाहिए, बोलो ना क्या चाहिए बाहर। हाँ मतलब सारा दिन बस तेरे को बैठ के प्यार करती रहूँ मैं, और कोई काम नहीं। आप पहले ब्रेकफास्ट फिनिश करो, चलो पहले फिनिश करो, फिर नहीं, नो नो, मैं नहीं कहीं ले, नहीं नहीं ले जाऊंगी, मैं नहीं कहीं ले जाऊंगी। कहाँ जाना है बोलो, हाँ कहाँ जाना है बोलो, हाँ हाँ अच्छा बाहर जाना है, बाहर जाना है, हाँ कहाँ जाना है बोलो, कहाँ जाना है बोलो, ओ बनाना है, बाहर बाहर जाना है, बाहर, अच्छा चल चल चलो चलो चलो, ये बिस्किट तो फिनिश कर दो, बिस्किट फिनिश कर दो, बोलो 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 बोलो, क्या क्या बोलो, क्या चाहिए, हाँ क्या चाहिए बोलो, ओ कितने समझदार होते हैं ना वाकई में। उसको शुशु करना था तो बार बार मेरे को कह रहा था कि बाहर लेके चलो, क्योंकि छत पे उसको लेके जाना था, तो इसलिए अब मैंने उसको निकाल के कमल को बोला लेके जाने के लिए, तो भाग के दौड़ के ऊपर गया हुआ है। और कभी भी इधर उधर कहीं भी शुशु पॉटी वगैरह ये नहीं करता है, वहाँ तो खैर घर में अपने रहता है तो उसको ले ही जाते हैं लोग बाहर। और यहाँ भी जैसे मैंने छत पे एक पहले दिन आदत लगा दी थी, तो छत पे ही जाता है वो, अंदर कहीं कमरे में इस तरफ से कहीं गंदगी नहीं फैलाता है। तो साथियों आज के इस वीडियो को अभी यहीं पे मैं समाप्त करती हूँ, वीडियो तो बड़ा हो जाएगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल आपसे होती है मुलाकात, तब तक आप सब अपनी सेहत का बहुत सारा ख्याल रखिए। बाय बाय, नमस्कार।